true friendship lasts forever. Tell someone, God is my friend. So today, no one, yahan par koi bhi aisa na hoga, who is orphan, akela. When you came alone. But when you go back, you're going with a friend who loves you forever. The acronym FRIENDS of the famous, most famous Western global serial, FRIENDS, the acronym is DOTS. And the DOTS are there because to say each one in the FRIENDS is independent individual. Each one has a characteristics. Each one has their limitations and their strength. The acronym FRIENDS actually is few relationships in earth never dies. Through friendship, other buddies, colleagues, confidants, pals, brethren, comrades, partners who will stay with you forever. But there's a friend who will never betray us, who's always be together forever and ever and ever and ever. Friends on this earth change for a season. But there's a friend who is the owner of all seasons. I remember Johnny Bhai had said many, many years ago, sab kehte hain, samay ke saath chalo, samay ke saath chalo, samay ke saath chalo. But Johnny Bhai, I remember he said, jisne samay banaya hai, uske saath chalo, to aapka samay. So, samay aapke saath. So this morning, what a joy it is on this Friendship Day to welcome our friend, Brother Johnny Lever. Put your hands together. Praise the Lord, praise the Lord. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. Thanks, Brother Shekhar, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे याद किया. अचानक पिछले हफ्ते ही घर पे आया और शॉर्ट नोटिस टक. शेखर साहब कैसे होता है शेखर ब्रदर का? वाकई आप सबको फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं. दोस्त लोग बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट हैं. दोस्ती बीवी की भी सहेलियां होती हैं, तो बीवी कभी बोलेगी नहीं हस्बैंड को दोस्त से मिलने को मना नहीं करती, क्योंकि उसकी सहेलियां हैं, वो मना नहीं करेगी. हाँ हाँ भैया, वो उनका है वो, गो 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 गो. अगर आप अपने भाई से मिलने जाओगे, अपनी बहन से मिलने जाओगे, तो बोले क्यों घड़ी घड़ी जा रहे हो? परसों गया था ना, घड़ी घड़ी वाई. लेकिन दोस्त के लिए बीवी नहीं भूलते, क्योंकि उनकी भी अपनी सहेलियां हैं, कदर वो भी करती हैं दोस्ती की. तो बाकी दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा, पीटर माय डियर क्या बात है यार, उन्होंने मेरा रोल कर दिया पूरा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. पास्टर शेखर ने कहा, पीटर ने कहा कि हमारा जीसस से बड़ा दोस्त कोई नहीं है. यूहन्ना 15 चैप्टर वर्सेस 15 में बड़ा अच्छा वचन है, लगा दे भाई. अरे देखो क्या बात है. नो लॉन्गर डू आई कॉल यू सर्वेंट्स, फॉर अ सर्वेंट डज नॉट नो वॉट इज मास्टर इज डूइंग. क्या बात है. बट आई हैव कॉल्ड यू फ्रेंड्स फॉर ऑल थिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम माई फादर, जो मैं अपने पिता से सुना हूं. सर्वेंट्स को पता नहीं होता है, स्लेव्स को, गुलामों को पता नहीं होता है मालिक क्या करता है, क्या करने वाला है. वो गुलाम ही है. एक जमाने में ऐसे होता था, पिता भी नहीं, मालिक गुलाम की तरह होता था. और पुराने नियम में देखिए आप, वो प्रीस्ट जब गॉड से मिलने जाते थे स्थान पे ऊपर, वो घंटी बांध के जाते थे, उसका वापस आने का भरोसा नहीं है. उसको खुद को नहीं मालूम उससे क्या लोचा किया होगा, क्या उससे गलती हो, उससे क्या गलती होगी, मैं मेरी वापस आऊँ कि नहीं मालूम नहीं. हमको हमारा कुछ पता नहीं होता, हम इंसान हैं, हम तो गलतियों का पुतले हैं, हम तो गलतियों का पुतले हैं, गलतियों के पुतले हैं.
तो गलतियाँ हमसे होती हैं, तो वो रस्सी बांध के जाते थे, घंटी बांध के आवाज़, कभी आवाज़ बंद हो गई, टन टन टन, इसको घसीट ले भाई, इसका काम हो गया है। इतना डर था मालिक का, परमेश्वर मालिक। तो गुलाम को पता ही नहीं होता मालिक क्या योजनाएं हैं, क्या वो करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं होता। उस गुलामी से निकाल के हमको दोस्त कहा यीशु ने, उस गुलामी से निकाल के हमको दोस्त कहा। परमेश्वर का पुत्र, उसको अथॉरिटी है, उसकी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने ये किया, क्योंकि जो मैं पिता से सुनता था वो सब बातें तुमको मैंने बता दिया, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त को बताते ना, दोस्त को सारी बातें यीशु ने बता दी, और अपने डिसाइबल्स को उन्होंने, डिसाइबल्स को दोस्त बना लिया। तो फ्रेंडशिप डे का बहुत ही बड़ा मतलब आज है कि हमारा यीशु से बड़ा फ्रेंड नहीं है हमारा, उन्होंने हमें फ्रेंड कहा, कितनी बड़ी बात है, उनका कितना बड़पन है। हम लोगों को यीशु के बारे में, हम लोग चर्च में आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, घर में जाके बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम कितना जानते हैं यीशु को, एक सवाल पैदा होता है। 2000 साल हो गए, 2000 सालों में कितने आए, कितने गए, कितने आए, लोग गए सब, लेकिन ये वचन इधर ही है, ये वचन यहीं पे है, ये खोलो, इसको पढ़ो, ये हमेशा फ्रेश लगता है, नया लगता है। आप प्रोवर्ब्स पढ़िए, आपको नया लगता है, साम्स पढ़िए, आपको नया लगता है, यीशु का वचन नया लगता है। यीशु ने जहाँ जहाँ बातें की हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में, जहाँ जहाँ उनके डायलॉग्स हैं, वो बिल्कुल आज के लगते हैं। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी एज हो जाएगी, तब भी हमको आज आपके वचन, आज वचन सुन के मेरे को बहुत मजा आया। इतने सालों से आज ही मजा आया तेरे को? इतने साल सुना ही नहीं, सुना, मगर ये हमेशा यार बुढ़ापे तक आपको वचन नया लगेगा, अलग लगेगा, अच्छा लगेगा। ये वचन का कमाल है, और जिसको हम लोग मिस करते हैं, इसका फायदा नहीं उठाते हम लोग, इसका दुख है। मैं एक आर्टिस्ट के नाते मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग फिल्मों में सीन क्रिएट करते हैं, हमारे टॉनी फर्नांडिस हमारे डायरेक्टर हैं, फिल्म इन्होंने 2-3 फिल्में बनाई हैं, तो हम लोग कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सोच के, एक सोच होती है, कहीं कुछ देखा है, छोटा सा इंसिडेंट देख लिया, उसको पकड़ के एक स्टोरी बना के, उसमें पंचेज डाल के, इधर का उधर का डाल के, ये करके वो करके, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा कुछ चलेगा नहीं चलेगा करके हम लोग बनाते हैं उसको, क्रिएट करके फिर उसको पिक्चराइज करके उसको स्क्रीन पे जब देते हैं, और लोग उसको देख के हंसते हैं और रोते हैं, इतने टच होते हैं, और ऐसा भी होते, और राइटर बोलता है, राइटर मैंने इनको यड़ा बना दिया, राइटर कोने में वो रो रहे हैं, और राइटर यहां पे प्रोड्यूसर को, तो ये है, तो ये क्रिएटिव लोग हैं। हम लोग भी अपने आइटम्स खुद बनाते हैं, कुछ कुछ डायरेक्टर लोग मेरे पे आकर, मैं उनको लगता है मैं पता नहीं जादू कर दूंगा, शूटिंग पे आऊंगा, आता हूँ, डेट वेट दे दी सबको, जाओ जाने भाई, आइए 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 आइए, स्टार्ट करें, क्या डायलॉग वायलॉग आप ही कर, ये सिचुएशन ऐसा है और आपको करने, मेरे को करने का मतलब कुछ लिखा नहीं, अभी आपको क्या है? अरे मैं ऐसा नहीं होता, कुछ तो दो, ऐसा थोड़ी होता, अरे भाई को ढांचा होगा उसके ऊपर मैं कुछ उसमें सजा सकता हूँ ना, ढांचा ही नहीं तो क्या करूँगा मैं। अच्छा काम करते, ब्रेक करते, अभी लंच के बाद करो, आप सोचो। ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरी बेस्ट फिल्म जहाँ से मेरा नाम हुआ वो बाजीगर, जिससे शाहरुख खान सब, काजोल, शिल्पा शेट्टी, मैं, हम लोग सब उड़ गए, वहाँ से हम लोगों का नाम हुआ बाजीगर में।
बाजीगर में आपको पता है मेरे जितने भी कॉमेडी सीन्स थे उसका राइटर था ही नहीं, राइटर ही नहीं था, हम लोगों ने सेट पे ही इम्प्रोवाइज किया, सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज किया। तो उसके बाद मैं बदनाम हो गया, जॉनी लीवर तो उधर ही करता है, अरे ये हो गया है यार, घड़ी घड़ी नहीं होता है, एक बार हो जाता है, बार बार एक बीत लग गया, आप सुर लग गया तो काम हो जाता है। तो फिर बहुत सारी फिल्मों में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और अटेम्प्ट बने और करता गया, उसमें अवार्ड मिले मेरे को जिसमें मेरे और मैंने अपने सीन्स बनाए हैं। तो मुझ जैसे मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, जो भी हूँ मैं भी हैरान होता हूँ जब वचन पढ़ता हूँ, मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि वचन में क्या है, वचन कितना पावरफुल है। तो दोस्तों हम लोगों को है ना, जब हम चर्च में आते हैं तो हम लोगों को, हम लोग वचन सुनते हैं, लेकिन आप जब नीचे उतर के जाएंगे ना, आप पूछो आज जो बोला क्या मस्त है ना, हाँ कौन सा, हाँ हाँ क्या बोला एक्चुअली, क्या क्या था वो, ये होता है क्योंकि हमारे चार पांच ट्रैक चलते रहते हैं, चार पांच ट्रैक चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग इतने बड़े कलाकार हैं, पास्टर को जरा भी शक ना हो, बराबर उनको देखते रहते हैं। तो ये हम लोगों का ये होता है, और हमारे अंदर तीन चार ट्रैक चलते रहते हैं, कोई किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, चर्च से छुट्टे मेरे को पहले उधर जाने का, वो लेने का, वो खरीदने का, उसके अंदर तो औरत पंगा करेगी, उसने मेरे को बोली वो लेके आओ, ये लेके आओ, जो भी, ये सब चार पांच ट्रैक चलते रहता है। एक को पैसा देना है, उसको मैं कैसे बहाना करूँ, उसको कैसे घुमाऊँ, ये करूँ, उसमें चलता रहता है। वचन के बीच में कुछ आ गया उसके साथ ये कहीं और चला जाता है, उसको कुछ और याद आता है उससे, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते वचन पे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इंसान का प्रॉब्लम है, और हम लोगों का कई प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हम प्रॉब्लम्स में आके बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अरे बाबा तू ट्रैक पे नहीं है, तू ट्रैक पे आ जा बराबर, जो भी काम कर रहा उसको 100% दे, एक्टिंग कर रहा तो उसमें 100% दे, या चर्च में गया है तो सुनना है तो 100% दे, उधर ध्यान दिया, तो आप कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। वरना हम लोग क्या करते, जाने अनजाने में एक खजाना खो रहे हम लोग, परमेश्वर का वचन खजाना है, खजाना है। एक चर्च में क्या हुआ, ऐसे ही बैठे हुए थे सब लोग, वर्शिप चल रहा था, भाई गिटार लेके गा रहे थे, जबरदस्त गा रहे थे, इतने में कि फोन में मोबाइल बजी, उसका कॉलर आई डी जो भी ढूंढ रहे थे, वो साइलेंट में रखना भूल गया, तो सब लोग वर्शिप वाला भी देख रहे थे, तो उसको बुरा है, उसकी वाइफ भी परेशान होगी बाजू में, निकाल कर अब वो बेचारा फिर से वो अपना कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा, फिर उसको कोई ना कोई देख रहा, सब कोई ऐसा देख रहा, कोई ऐसा देख रहा, बेचारा वो परेशान हो गया, मेंटली एकदम ही ये हो गया, यार मैंने क्या कर दिया यार। वो रात को बार में चला गया, शाम को वो बार में चला गया, बैठा बोले पूरा खंबा ले गया, और वो बोतल गिर गया, और बोतल थटाक थटाक
दारू और उधर अब ये बोले यहाँ भी पढ़ने वाली मेरे को वो बेवड़े लोग बोले नहीं पढ़ा बेवड़ा है वेटर आके सॉरी बोला बोले मैं मेरे रखने का जगह गलत रखा होगा मैंने सो सॉरी उसको गले भी नहीं लगा काउंटर पे एक लड़की बैठी थी वो आई अपनी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दी उसको मेरी तरफ से दो ड्रिंक ले लो आप अरे ये उतर रहे थे मिस्टेक लाइफ में क्या है ये लोग ऐसा है मेरे चर्च में सब लोग ऐसे से देख रहे थे ये लोग माइंड ब्लोइंग लोग है यार माय गॉड ये क्या है बोले ऐसा कैसा हो सकता है यार ये तो कमाल है इधर के लोग तो उसको मजा आने लगा बाहर में जाने के लिए सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं ये कर रहा है उसको ये कर रहा है उसको मजा आने लगा उधर ही जाता रहा उसको वहां तक भेजने वाले चर्च वाले उसको नर्क का रास्ता दिखाया और नर्क में ऐसा मस्त सब लोग स्वागत कर रहे गिर रहे थे और दोस्तों प्यार से यार ये कर और यहाँ पर उसको थोड़ा सा क्या गलती हो गया तो उसको साइलेंट पे नहीं रखा उसको ठाक 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 नॉनसेंस यार तो वो बोले यार क्या है यार मेरे को तो यहाँ मजा आ रहा है यार तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है वो लोग स्ट्रांग है कि हम लोग स्ट्रांग है वो लोग इतना उसको ये करके उसको कंफर्टेबल कर दिया जो हमको करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं तो शैतान कितना स्ट्रांग है जबकि हमको स्ट्रांग होना चाहिए हमारा प्रभु ऐसे नहीं थे हमारे प्रभु बहुत हम्बल थे वो गरीबों के साथ बैठे रहते थे कभी आपने देखा वो मामूली सोल्जर भी घोड़े लेके आते थे घोड़े हमारा प्रभु गधे में बैठे यार उनकी हर बातें आप देखिए सोच के कि हमारे प्रभु क्रिएटर परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर वो कितने सिंपल थे हमने आप सोचिए सोचिए आपको और मिलेगा वो कितने सिंपल थे कितने प्यारे थे कितने हमदर्द थे तो हमारी समझ में कभी आता ही नहीं हम समझते हैं नहीं ऐसा नहीं है लेकिन हम लेते नहीं अंदर अच्छी तरह नहीं लेते हम ये हमारा प्रॉब्लम है जिस तरह हम अच्छी तरह लेंगे ना जिस तरह हम प्रभु को समझेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे और हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे ना आज के जमाने में आज के समय में बहुत मुश्किल है जीना डे बाय डे पता नहीं क्या क्या हो रहा है नई नई बातें आ रही हैं फलाना क्या क्या हो रहा है बहुत मुश्किल है हमको इस वक्त मजबूत होना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और वो जो बेवड़ा अंदर गया है बेचारा अपना बेवड़ा बना है उसको जाके गॉस्पल देना पड़ेगा चर्च वाले को वो वर्षीवर को जाके उसको गॉस्पल देना पड़ेगा बाबा आ जा वापस आ जा हमसे गलती हो गई तो उसके लिए हमको ताकत चाहिए ऐसा नहीं होगा अरे उसका बजा बेल मोबाइल बजा तो क्या होगा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ऐसा नहीं उसको टकल 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 उसको ऐसा देखा बेचारा सीधा बाहर चला गया वो ये कमजोरी की निशानी है हम लोग कहीं से कमजोर हो गए और कमजोर होते जा रहे हैं हम लोगों को हम मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है लेकिन आप सोचिए प्रभु को कितनी तकलीफ होती होगी कि ये मेरे बच्चे स्ट्रांग नहीं है ये मजबूत क्यों नहीं हो रहे ये हमारा प्रॉब्लम है हम कुछ भी नहीं है जो डिसेबल्स थे वो जीसस के साथ थे वो जीसस के साथ थे उनके अंदर बदलाव नहीं आया बहुत टाइम लगा
ये हमारा प्रॉब्लम है और हम लोग इस चीज को समझे, इसके लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए पीटर है, हमारे लिए थोमा है, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। इनको इनको आप पढ़िए, इनको सोचिए, प्रभु कितने परेशान थे इनसे। लाजर मर गया, ये लोग गांव में कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि इनको जाए देखो वहां मारने के चक्कर में थे। तो किसी और गांव में जीसस क्राइस्ट अपने डिसिपल के साथ गए थे, बोले लाजर मर गया, लाजर सो रहा है, उसको उठाने जाना अपने को। अरे मर गया यार, सो रहे बोलते हैं। और थोमा ने बोला चलो मरे हुए के साथ अपन भी जाके मरते हैं, क्या करेंगे, वहाँ जाएगा तो अपने को पड़ेगी, चलो मर रहे के साथ हम भी जाके मरेंगे। ये वर्ड बोलने वाला ही 2000 साल पहले इंडिया आया था, थॉमस ही थोमा 2000 साल पहले इंडिया आया था। इसने कहा चलो मरने वालों के साथ जाके हम भी मरते हैं। यीशु ने सुना होगा ना, सुनकर कुछ नहीं बोला। अभी इसको दिखाऊंगा क्या है, इसको मैं दिखाता हूं क्या है। यीशु गए गांव, वापस आए, उसकी बहन मारिया मार्था भागकर आई, पैरों पे गिरी, प्रभु तुम कहां थे, अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। यीशु ने कहा वो उठेगा, हाँ वो तो कयामत के दिन उठेगा, कयामत मैं हूं, कयामत मैं हूं। ये कौन बोल सकता है, जो है वो बोल सकता है, कयामत मैं हूं। उनकी समझ में नहीं आया होगा, कहाँ रखा उसको, सब लोग डरे हुए थे, भाष आएगी क्या आएगा। कब्र के पास गए, यीशु ने हाथ पर किया, अपने पिता से बात की, लाजर बाहर आ, लाजर निकल के आ गया ना। थोमा की हालत क्या हो गई होगी सोचो आप, उठने का मतलब ये है क्या, सो रहा था उसको उठाया। थोमा के समझ में क्या है, समझ के भी नहीं समझते थे। फिर उसके बाद तूफान में जा रहे, बोट पे जा रहे, तूफान आ गया, वाह 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 तूफान आया, तो प्रभु जी कहीं सो रहे थे साइड में, और ये लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश के टाव टाम पीम पाम इधर कर उधर इधर के उधर राइट, बहुत किया उन लोगों ने, बहुत किया होंगे ना। उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा था, प्रभु हम लोग मर रहे, आप सो रहे हो, कुछ करो। प्रभु उठे, ऐसा हाथ किया, वो तूफान थम गया, अल्प विश्वास, लिटिल फेथ, बोल के सो गए। आपस में बोल रहे कौन है यार, तूफान भी इसकी बात सुनता, कौन है, कौन है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ, फिर भी पूछते कौन है, कौन है, ये कौन है शब्द कितना खतरनाक है। सोचिए यीशु को क्या लगा होगा, कौन ही बोल रहे, तूफान खत्म हो गया यार, सब बोट सब नॉर्मल हो गए, फसल ये कौन है। मैं बताता हूं, दिल में सोचा अभी मेरे को बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे, क्यों गए, गेरे सोने गए, वहां पर एक बंदा है जिसके अंदर 2000 आत्माएं हैं, उसको चेन से बांध कर रखना पड़ता था पहाड़ पे, वो चिल्लाता रहता था, उसको पेन तोड़ देता था, वो कब्र में रहता था, कब्रों में खा लेता था, वो मुर्दे खा लेता था, वो कैरेक्टर था है ना, 2000 आत्माएं जिसके अंदर थी, वो लगाओ। जैसे ये नजदीक पहुंचे और वो उधर खड़ा था, डिसाइबल भी पीछे थे, वो जगह प्रभु को देखा, यीशु को देख करके बोले परम प्रधान, परमेश्वर का पुत्र,
तुझसे तुझको मुझसे क्या काम। तब इनको मालूम पड़ा परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, वो बोलने से यकीन आ रहा है, यीशु बोलने से यकीन नहीं आ रहा है, मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी, इससे सुन, इससे सुन ले भाई। हालेलुया, ये हमारा प्रभु, उसके अंदर 2000 आत्माएं थी, 2000 आत्माएं, और वो अंदर से बोल रहे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र तुझको मुझसे क्या काम। यीशु ने कहा निकल जा, तो उसके से अंदर से आत्माएं निकल जाती हैं। आत्माएं निकल के और वो बेचारा सीधा हो जाता है, उसको कपड़ा ओढ़ दिया। फिर वो यीशु से कहता है मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। यीशु ने कहा नहीं, तू घर जा। उसको घर जाने के लिए कहा इसलिए कि उसका पूरा घर हिला हुआ था। सोचिए ये आदमी 2000 आत्माओं को लेके यहाँ बैठा हुआ है, 2000 आत्मा के जन्मकरण दवा लेके, 2000 आदमी आत्मा को लेके बैठा हुआ आदमी, कौन सा ऑडिटोरियम है यार ये अंदर। वो आदमी खाली हो गया चुप, मैं आपके साथ चलूंगा तू घर जा। क्यों सोचिए वो पहाड़ों पे चिल्ला रहा पागलों की तरह, साखली तोड़ देता, इतनी ताकत कहां से आती है, चिल्ला उसको, लोग उसको देख के डरते थे, दूर दूर तक लोग बहुत दूर रहते थे उससे, ऐसी हालत थी। वो आदमी कैसे रहा होगा, क्या उसकी जिंदगी हो गई होगी, अब सोचिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए वो कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा। वो यहां है, उसके बीवी बच्चे उधर क्या कर रहे होंगे, उसके घर में क्या कर रहे होंगे, उसके माँ बाप क्या कर रहे होंगे, क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है वो घर जाता है, यीशु कहता है घर जा, तो वो घर गया। घर जाके उसको बोला यीशु ने तू जा सिनेगॉग में जाकर, पासबान जो प्रीस्ट है वो प्रीस्ट से जाके बोल कि परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया। टेस्टमनी, और वो उसके बाद प्रचार करना शुरू किया। टेस्टमनी देने के बाद में उसने प्रचार करना शुरू किया, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और मैं इमेजिन करता हूँ इतना खतरनाक आदमी, लोग उसको देख के भागते थे, वो जब घर गया होगा क्या हालत हो गई वो विलेज के अंदर, कोई पानी लेके आ रहा उसको दिख गया, छोड़ के भागा होगा, कोई खिड़की खोल जाए, सीधा आ रहा है बेचारा, अब ना कोई चिल्ला रहा है ना कुछ नहीं चिल्ला रहा। उसकी वाइफ उसको देखी होगी, उसका क्या हालत हुआ होगा, उसकी वाइफ देख करके सोचिए, इमेजिन कीजिए वो क्या, वो भी भागी होगी, फिर भाग के फिर देखिए कुछ कर नहीं रहा है, सीधा आ रही है, फिर डरते डरते उसके सामने का कि सीधा सीधा कैसे हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल कुछ बोलता नहीं है, क्या है। उसके नज़दीक गई होगी, हाथ लगाई होगी, पूछी होगी कैसा है, क्या है, डर डर के सोचो, और उसने बोला होगा, उसने बोला भी मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु से मिला हूँ, उन्होंने मुझे डिलीवरेंस दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे अंदर इतनी आत्माएं थी, ये वो सब बोला होगा। तो उस औरत ने सोची होगी उसके बाद, वो तो रोई होगी कि यार इस वजह से ये आदमी इसलिए ऐसी हरकतें करता था, वो आत्माएं थी इसलिए ये आदमी ऐसी हरकत करता था, वरना ये आदमी अच्छा था, मेरा हस्बैंड है बहुत अच्छा था, ये कैसे मैं राइट यस इसलिए ये करता था बेचारा, वरना ये अच्छा आदमी था, ये कैसे दिन निकाला होगा उस पहाड़ में, वो ग्रेव्स ने कैसा रहा होगा मेरा हस्बैंड, कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी। उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी, टेस्टिमनी दी होगी, फिर प्रचार करना शुरू किया, तो
क्योंकि अद्भुत कार्य देखा उसने। अब सोचिए ये होने के बाद वो बंदा कितना स्ट्रांग हुआ होगा, तब जाके उसने प्रचार करना शुरू किया होगा। तो जब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं आप स्ट्रांग नहीं होते हैं। प्रॉब्लम्स चाहिए, कभी कभी दिल टूटने वाले काम आपके साथ होते हैं, आपका दिल टूट जाता है, लेकिन आपको प्रभु बचाता है। आज मणिपुर का लीजिए, उनको क्या पता बेचारों को ये सब होगा, उनको पता ही नहीं, लेकिन अचानक कुछ हो गया, ये हो रहा प्रॉब्लम। क्या क्या हो रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है कितना अन्याय हो रहा है उनके साथ। जब जीसस के साथ अन्याय हुआ, जीसस के साथ, अब देखिए जीसस के साथ लोग कर सकते हैं, हम क्या बेचते हैं। जीसस जितने लोगों को हीलिंग दी, शिफाएं दी, चंगाई दी, वो बोलते हैं बाइबल में लिखा हुआ, अगर पुस्तक में प्रिंट करे तो पुस्तक रखने की जगह नहीं होगी, इतनी चंगाई। ऐसे जीसस को, उनकी सिर्फ एक ही गलती है, तो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये गलती हो गई, इसी गलती पे उनको सूली पे चढ़ा दिया, उनको मारे, परमेश्वर का पुत्र कैसे पूछते हैं, जैसे ये परमेश्वर के बाजू में रहते हैं लोग, परमेश्वर साथ में बैठ के चाय पीते हैं, परमेश्वर यू वांट बिस्किट और टेक वन ट्राई नाउ, जाओ ग्रीन टी है, परमेश्वर को ग्रीन टी चाहिए, ग्रीन टी, यस यस। ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, तेरे को मालूम है तू कौन है परमेश्वर का पुत्र, ये उस पर उनको कैसे कैसे मारा, क्या नहीं किया, कितनी तकलीफें, क्रूस उठाया उनको, रास्ते पे चला चला के ले गए, पब्लिक देख रही है सब क्या है, कोई कोई कोस रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नजदीक नहीं आया। प्रभु यीशु के नजदीक कोई नहीं आया, पीटर भी आया था बहुत दूर था, मदर मेरी जानती है ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने जन्म दिया, वर्जिन मेरी उससे पैदा हुआ है, स्पिरिट से पैदा हुआ, मदर मेरी, उसके मन में आया होगा, परमेश्वर चुप क्यों है, परमेश्वर चुप क्यों है, लेकिन परमेश्वर का ये कार्य था, ये होना ही था। यीशु को नई बातें, यीशु खुद बोलते थे मेरे साथ ये सब होगा, डरो मत, मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, किसको यकीन आएगा, किसको यकीन आएगा, जी उठने के बाद थोड़ा यकीन आया हमको। इतना होने के बाद यीशु को देखने के नजदीक किसी की हिम्मत नहीं थी, वहां पर कोई आएगा उसको मार देंगे, पीटर बेस्ट खास, वो पीटर वहां दुख था, दुख हुआ पीटर को, यार मेरा प्रभु है मैं क्या करूं, वो बाहर बैठा हुआ है, दुख हो रहा है, बगल जा नहीं सकता, उसको मार देंगे, किसी ने पहचान लिया, ये उनके साथ था, और मैं नहीं, भाई मैंने हट, मैं ना बोल दिया, दूसरी बार ना बोल दिया, यीशु ने बोला तीसरी बार मुर्गा बांग देगा, और तीसरी बार जब ना बोला तब उसको याद आया, अरे बाप रे, प्रभु ने बोला था मैं तीन बार इनकार करूंगा, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम लोगों का ये हमारी औकात है, ये इंसान का ये प्रॉब्लम है, इंसान अपने आप को समझता मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत दिमाग वाला हूं, कुछ नहीं है लल्लू, मैं माफी चाहता हूं, तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप बोलोगे मैं ब्रिलियंट हूं, मैं बहुत ही विजडम वाला हूं, नहीं बच्चा नहीं, 104 बुखार होगा तेरे को नहीं मालूम तू क्या बड़बड़ाता है, 104 बुखार में आ जा टेप करके दिखाओ उसको, मैं ऐसा बोल रहा था 104 बुखार में, तो ऐसे भलते कुछ कर रहा था, हम लोग सबको हैरान किया तुम, ये हम लोग की औकात है, एज हो जाती है, बहुत ब्रेनी वर्ल्ड मानती है, क्या ब्रेन नॉलेज, क्या नॉलेज वाला आदमी है, उसके घर में जाकर उनका बेटा बोलता डैडी प्लीज, ओके ओके,
डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन प्लीज नो फॉर गॉड सेक कीप क्वाइट डैडी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू टॉक डोंट टॉक नो यस या व्हाट इज ओके हाउ मेनी टाइम्स फाइव टाइम्स तो हम लोग का दिमाग ऐसे हो जब बुढ़ा होगा तो दिमाग भी बुढ़ा हो जाता है सत्य को जानने वाला जो है ना सत्य ट्रूथ को पहचानने वाला दिमाग वाला है अगर आपका दिमाग है तो ट्रूथ को पहचानो सत्य क्या है पहचानो जीसस ने कहा आई एम द ट्रूथ वी हैव टू अंडरस्टैंड जीसस क्राइस्ट समझने को इसी जीवन में समझ लो अगला जीवन नहीं अपना इसी जीवन में हमको जीसस को समझना है ये जीसस पैदा हुआ हमारे लिए हमें बचाने के लिए आया है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हमारे रक्षक है हमें बचाने के लिए आया है बचपन से परेशान थे ये पैदा होने से पहले ये पैदा ना हो इसको मार डालो वो ज्योतिष लोग जाके बोल दिया यहूदी का राजा आने वाला है कौन है किधर आने वाला टांग 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 उधर काली पाली पटू इधर है जाओ मार डालो मेरे को लगता है इधर है जितने लोग है उधर के सबको मार डालो अरे कईयों को मार डाला प्रेग्नेंट लेडियों को मारे मैं राइट बचपन से प्रॉब्लम मदर मेरी हिले के कहाँ कहाँ घूम रहे यूसुफ और मदर जोसेफ दोनों घूम रहे इधर जा रहे कब क्या है कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे क्या जा रहे कैसे कैसे करते 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 जब 30 साल की उम्र में आते हैं बैप्टिज्म लेने आते जॉन द बैप्टिस्ट जॉन द बैप्टिस्ट सबको बैप्टिज्म दे रहा अपने आप को बदलो में सबको बैप्टिज्म दे रहा है नया जीवन पाओ जिंदगी परमेश्वर को पहचानो गुनाहों को माफ करो माफी मांगो ये तुम्हारे गुने खत्म हो गए गुनाह मत करो ऐसा बेचारा बैप्टिज्म दे रहा था ठाट ठाट अभी तुम यीशु को देखे लाइन में खड़ा है हिल गया वो मैं आपको बैप्टिज्म मैं आपके जूते के लेस बांधने लायक नहीं हूं मैं क्या ऐसा ही होने दे बैप्टिज्म लेता है झुक के उठता है आसमान खुलता है ऊपर से आवाज आती है ये मेरा पुत्र है ये मेरा पुत्र है इसकी सुनो मैं इससे अत्यंत खुश हूं देखिए जॉन द बैप्टिस्ट घबरा गया और यीशु हम्बली झुक करके बैप्टिज्म ले रहा है अपने चेलों के पैर धो रहा है ये सब मैं आपको याद दिला रहा हूँ ये सब आपको पता है मैं आपको याद दिला रहा हूँ चेलों का पैर धो रहा है ये सब चीज़ें क्वालिटीज आप देखिए देखिए जीसस को सोचिए जीसस क्या है क्या जीसस है हम कहीं भी नहीं आते अगर वो हमको दोस्त बनाया है बेटे हम उसके बच्चे हैं लेकिन उनको दोस्त कहता है अरे दोस्त के नाते तो समझो क्या है उनकी क्वालिटीज ले लोगे उनका थोड़ा भी है ना उनकी थोड़ी बात भी थोड़ी चीज़ भी हमारे अंदर आ जाए थोड़ी भी हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी हम क्या होंगे मजबूत होंगे हम स्ट्रांग होंगे और हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है हमारा स्ट्रांग होना स्ट्रांग किसी ने आपको गाली दिया और आप हंस रहे हैं ये उसको बोलते स्ट्रांग किसी ने आपका नुकसान किया आप हंस रहे हैं इसको बोलते स्ट्रांग मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कोरोना में टाइम पे मेरे साथ बहुत बड़ी चिट्ठी हुई मैं सालों का जो पैसे मैंने प्रॉपर्टी में डाला हुआ था मेरा कर दिया उसने बोले ये कोई बात ऐसे कर दिया दूसरा तो है ना वो भी कर दिया लंबा चौड़ा मेरी जगह कोई दूसरा होता ना पागल हो जाता वो लेकिन मैं ऐसे सोचा मैंने कोई गलत काम नहीं किया कभी मैंने उल्टा लोगों की हेल्प की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ गॉड मुझे स्ट्रांग करना चाहता है गॉड मुझे स्ट्रांग करना चाहता है ये मुझे अंदर से आ रहा था मैं कुछ नहीं बोला बेटा बाइबल बोलती है माफ़ करो मैंने माफ़ किया मैंने प्रेयर किया उसके लिए मैंने लिटरली जिसने मेरी चिटिंग की मुझे करोड़ों में मेरा पैसा जो आने का था प्रॉफिट नहीं दिया उसके लिए मैंने प्रार्थना की इन द नेम ऑफ जीसस जीसस उसका भला कर दे मेरे को मालूम पड़ा वो बीमार पड़ गया उसके लिए प्रेयर किया मैंने बाद में वो तो हॉस्पिटल से भी जब प्रेयर किया क्रिटिकेयर में इधर ही किधर क्रिटिकेयर में इधर से रो रो के फोन कर आपको पैसा मेरे पास है मुझे देना है आपको देना है मेरे को मुझे वो अरे नहीं नहीं डोंट वरी कोई बात नहीं आप मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कोई मैंने उसके पीठ पीछे भी
उसके लिए बुरा नहीं बोला, इसके लिए मैं अपने आप पे गर्व करता हूं। मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला उसको। दूसरा एक आदमी ने किया उसमें, मैं उसको एक वर्ड नहीं बोला। मैं आपको छोटा सा टेस्टिमनी देता हूं, मेरे साथ हुआ। ये हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एक कोरोना में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई। बड़े बड़े लोग बेचारे मर गए, वो बड़े पंगे में आ गए बड़े लोग बेचारे, छोटे लोग तो फिर भी ठीक है। बड़े बड़े लोग की हालत बिगड़ गई। जानी भाई कुछ है क्या, देना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या क्या चाहिए। मैं इधर से उधर से करके कोरोना में बहुत से लोगों की मैंने हेल्प की। मैं बोले चलो यार, ये भी होगा जो होगा देखा जाएगा, करते रहो, नो प्रॉब्लम। मेरा खुदा कहता है दो, डरने का नहीं, दे दो। मैं लिटरली, मेरी वाइफ भी बोलते क्या कर रहे हैं आप, ना भी नहीं बोल सकते सर, ऐसी हालत खराब। मैं 5,000 रुपये ना 5,000 रुपीज़ किसी के अकाउंट में भेजता हूँ, वो 15 मिनट तक रोया, मेरा 2 महीने का राशन आया जानी भाई, 2 महीने का राशन आया। ऐसी ऐसी हालत थी, क्या ना बोलेंगे आप। मेरे अकाउंट में मेरी बेटी के अकाउंट से मैं भेजता था, मेरे बेटे के अकाउंट से भेजता था, चल ऐसा करके कैसे फिर पैसे इधर से किसी को एडमिट कराया, वो कराया, ये कराया। कोरोना में फिर मेरा खर्चा, इनकम तो कुछ है ही नहीं। एंटरटेनमेंट वालों की लाइफ ये है, आपका घर में खाना बन रहा होगा तो ही आप शो देखने आओगे, एक फिल्म देखने आओगे। आपके घर में खाना नहीं तो आप कौन सा देखने आओगे, शो या क्या है। तो आर्टिस्टों की हालत बहुत ही खराब थी। लोग जब सुखी से होंगे, खुश होंगे, सेटल होंगे, तभी हम लोगों को प्रोग्राम देखने बाहर निकलेंगे। तो हम लोगों की हालत बहुत खराब, इनकम का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा 2 करोड़ रुपया ये कोरोना में मेरा खर्चा, और मैंने हेल्प किया लोगों की, ऑपरेशन से वो दुनिया भर का, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब करवाता हुई है। हाँ, 2 करोड़ रुपया हो गया। तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँगा, और वाइफ को बोले काम करते ना, वो अपने छोटा सा एक शॉप है ना, वो बोला वो बेच देते हैं, मगर वो भी उसका भाव आधा हो गया, वो 4 करोड़ का था, वो 2 करोड़ हो गया। कोई बात नहीं ना, 2 तो आ रहे चलो 2 तो आएगा, ये निकाल देंगे, बाद में लड़ते रहे क्या फर्क, अभी कोरोना कभी को भरोसा नहीं कब तक रहेगा क्या नहीं। तो 2 करोड़ का बड़ा पंगा हो गया था, ठीक है 2 करोड़ में से ये बेच देगी। अभी वो 2-4 करोड़ का जगह है, वो 2 करोड़ में हो गया, 2 करोड़ में नहीं बिक रहा, भाव डाउन हो गया। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड, लगे हुए अपने। कहाँ से आया पैसा मेरे को समझ में नहीं आया, 1.5 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपये आ गए मेरे को। 1.5 महीने के अंदर मेरे को 2 करोड़ का काम आया, मैंने अच्छे टाइम पे भी नहीं कमाया इतना 1.5 महीने के अंदर। 2 करोड़ का बजट बोला और 2 करोड़ आया मेरे को टक करके। वाइफ को बोला यार ये 2 करोड़ कहाँ से आया, बरबर एग्जैक्टली 2 करोड़। उसके बाद बंद, 2 करोड़ तेरा गया ना बेटा, ये ले 2 करोड़, ठप्पा करके दे दिया अकाउंट ने। अजीब वो करीब 3-4 एड्स आ गए, 20 लाख, 25 लाख, एक पिक्चर है छत्तीसगढ़ में, 6 डेज का वर्क। मैं बोला, मेरे भाई ने बोला ऐसे, बोला कौन जाएगा छत्तीसगढ़, पागल है छत्तीसगढ़ 6 दिन। बट एक काम कर रहा हूँ ना डैडी, भाई आप पेमेंट भरो ना, उसको बोले 50 लाख देता है तो आऊँगा, वो ना देगा और मुझे नहीं जाने का। अरे वो हाँ बोल दिया, पचास लाख दे रहा हूँ पागल है चलो, 2 करोड़ रुपया मैं सोच नहीं सकता हूं ये कहां से आया, ये टेस्टिमनी है और मुझे देना पड़ेगा टेस्टिमनी। ग्लोरी टू गॉड, आपकी हर एक चीज पे उसकी नजर है, हर एक बात को वो इतना शार्पली देखता है, उसका सीसीटीवी कैमरा खतरनाक है। आपकी हर, आप भूल जाते होंगे कोई चीज, वो एक एक चीज याद दिलाता है, ये हमारा परमेश्वर है, अमेजिंग। उसने हमारे लिए खून बहाया, तीसरे दिन जीवित हुआ, आज तक कोई मर के जीवित नहीं हुआ, हमारा यीशु जीवित हुआ और वो जीवित है, इसलिए हमारी प्रार्थना हमारी बातें सुनते हैं। दोस्तों हम लोग
यहाँ जितने लोग बैठे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए, आपके अंदर आपका अपना ब्लड काम कर रहा है, आपके माँ बाप का ब्लड काम कर रहा है, आपके अंदर आपके माँ बाप का ब्लड काम कर रहा है, आपके अंदर आपका माँ बाप का ब्लड काम कर रहा है। आप कितना भी वचन सुनो, कुछ भी सुनो, फिलॉसफी सुनो, ये सुनो वो सुनो, जब आपको गुस्सा आना है तो आएगा, क्योंकि आपका ब्लड है वो। मेरे डैडी भी ऐसे था, सेम मेरे डैडी के बाकी, मेरे डैडी को ये जमते नहीं, मेरे को भी नहीं जमते। तो जिंदगी भर आपका ब्लड काम कर रहे हैं, हमारा ब्लड काम करेगा। आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लेकिन मेरा ब्लड आएगा तो उसको रोकना पड़ेगा। मेरा ब्लड जो है गाली देने को वापस लेना पड़ेगा, वो ब्लड दोबारा आएगा बाहर, वो हमारी जो हरकतें हमारे अंदर जो है वो सी वो आ जाएगा, हमारा कैरेक्टर आता बाहर, हमारा यीशु का कैरेक्टर आना चाहिए हमारे अंदर, हमारे यीशु का कैरेक्टर आना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे आखिर में ये बताना चाह रहा हूँ, यीशु ने हमारे लिए खून बहाया। लास्ट सपर देखिए आप, आखिरी भोज, उसमें लास्ट सपर में यीशु ने अपने डिसिपल्स को बुलाया और बोला, अब ये ब्रेड नहीं है, मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, और ये वाइन नहीं है, ये मेरा खून है, इसे पियो, इससे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। ये प्रभु ने किया, और उसके बाद पिता के बारे में उनको सब बताया, और वो चले गए, थोमा यहां आ गए, कोई किधर कोई किधर, कोई उधर कोई इधर। इन 2000 सालों में आज 120 क्रिश्चियन कंट्रीज है, 120 इन 2000 सालों में, और आगे जो होने वाला आपको पता है, एवरी नी शल बाउ डाउन, एवरी टंग विल कन्फेस दैट ही इज द लॉर्ड। जब वो निकले पहुंचे तो ब्लड काम किया प्रभु का, अंधों को हाथ लगाया, अंधे ठीक हो रहे थे, लंगड़े ठीक हो रहे थे, प्रभु ने अपना कार्य दिखाया। ये कम्युनियन जो आप लेते हैं, जो कम्युनियन लेते हैं आप, इसको इजी मत लीजिए आप, ये प्रभु का शरीर है और उनका रक्त, ये वाइन या जूस या ब्रेड, बस समझिए आप इसको। इसको जब लेते हैं ना, तो प्लीज एक प्रेयर कीजिए, यीशु ये तेरा शरीर तेरा रक्त मुझ में काम करे, और मैं जहां भी जाऊं, मेरी बातों में मेरी हर चीज में आप बोले, आप बात करें, आप आए प्रभु, आप मेरे अंदर हो। इसको आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि वचन कहता है आस्क एंड यू विल रिसीव, हमें मांगना है। शैतान हमारे दिमाग में डालता है क्या आस्क रिसीव, क्या गॉड को मालूम नहीं क्या वो क्या मांगता क्या नहीं मांगता, ये नाटक है क्या है, ऐसा शैतान डालेगा। इसके लिए वचन है आस्क एंड यू विल रिसीव, ये कंडीशन है, आपको पूछना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और ये जब हम द्राक्षरस दाखरस और ब्रेड लेते हैं, ये प्रभु का ब्लड और उसका शरीर है, बॉडी है, इसको ये बहुत महत्व है, इसको आप बड़े प्यार से दिल से मन से ग्रहण कीजिए, देखिए आप कितने ताकतवर बनते हैं। ऐसे ले लिए चले गया, नहीं नहीं, इसको लेने के बाद आप सोचिए, ये मेरा प्रभु का वो रक्त है जो बहा है। कैसे डिसेबल को दे दिया, डिसेबल सब चले गए, और आज भी हम उनको याद करते हैं, एक एक डिसेबल्स को भी याद करते हैं, सब जिंदा है, हमारा प्रभु जिंदा है। ये आप रखो अपने अंदर, आप जिंदा रहोगे। हम लोग जीवित लोग हैं, हमको मौत नहीं है, एवरलास्टिंग लाइफ वाले हम लोग, उससे हम स्ट्रांग होते हैं, और प्रभु चाहता है कि आप और हम स्ट्रांग हों। हर तकलीफ को, कोई तकलीफ हट कुछ नहीं है, सब निकल जाएगा। यीशु को जब तकलीफ हुई थी,
कोई नहीं आया है, लेकिन आज मणिपुर के लिए यीशु के नाम से पूरी दुनिया खड़ी है मणिपुर के लिए। ये सेक्रीफाइस है। तो आप ये जब लेते हैं कम्युनियन, तो आपको सेक्रीफाइस का पता चलेगा, आपको ताकत मिलेगी यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आइए आंखें बंद कर लीजिए, मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। फादर गॉड पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जो कुछ तूने मुझसे कहा मैंने आपके बच्चों को दे दिया, आपके सर्वेंट्स को मैंने सर्वेंट तक पहुँचा दिया आपकी बात प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इनको मजबूत कर दे प्रभु, बहुत ताकत दे प्रभु, कुव्वत दे प्रभु, इनकी फैमिली के लिए, इनके हर चीज़ के लिए प्रभु। इनको डर ना, डर डर नज़दीक ना आए प्रभु। भय शैतान है, बाइबल कहती है भय बिल्कुल नहीं आने चाहिए प्रभु। जब तू होता हमारे साथ तो हमें डरने की चिंता नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं प्रभु। इन्हें मजबूत कर दे प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु। मैं हम सब प्रभु आपके बच्चे हैं, हमें मजबूत कर, हमें हमें ताकत दे, आपकी कुव्वत और ताकत की ज़रूरत है। आपके पवित्र लहू से हमें ढके रख प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु इनके सब कामों के लिए, जो भी तकलीफ है उन सब तकलीफों के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना, उनकी सारी तकलीफें इनकी जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपके कदमों में रखता हूँ प्रभु, आपके सामने रखता हूँ प्रभु। आप देखिए, क्योंकि आप हर चीज़ जानते हैं प्रभु, एक एक को जानते हैं, किसकी क्या ज़रूरत है हर चीज़ को जानते हैं प्रभु। इन पर आपकी रोशनी, आपकी कृपा, आपका साया हमेशा रहे, यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आमीन एंड आमीन। हालेलुया।